हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज डिटरमिनेंट्स, जिसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो 4.2 का है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है, उसका भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और उस वीडियो को जो 4.2 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, उसको देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी 4.2 के थ्रू हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसमें सारी प्रॉपर्टी को हम बताए हुए हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का यूज करके, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, यानी हमें प्रॉपर्टी का यूज करके इसको बिना एक्सपेंड किए ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86, तो यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे पहले हम ऐसा करते हैं LHS ले लेते हैं, LHS। तो LHS में जो है मेरे पास वो है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86, ये है। अब यहाँ पे C3 वाले में, C3 में जो भी हमारा ऑपरेशन होगा वो C3 में होगा। C3 में हम क्या करते हैं कि C3 - C1 कर लेते हैं। C3 यहाँ है, C1 ये, C2 ये, C3 ये, इस पूरे पार्ट को R1, इसको R2, इसको R3, C4 कॉलम। यानी C3 में हम क्या करते हैं, C1 को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86, ये हमारे पास C3 हो गया। तो C3 में हमको क्या करना था, C1 माइनस करना था। यानी C1 क्या है, -2, -3, -5। अगेन तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डिटरमिनेंट्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 9, और 62 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 63, 75 में से 3 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72, एंड 86 में से 5 जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 8, 9, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 × 7, जो कि 9 × 7 = 63, 9 × 8, 9 × 8 = 72, और 9 × 9, ये हम लिख सकते हैं। अब C3 में से, C3 वाला जो पार्ट है, यहाँ से जब हम 9 कॉमन लेंगे, 9, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 9। और ये सारे जो है ऑपरेशन हम ये क्यों किए, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई भी हमारा दो रो या फिर दो कोई कॉलम मिल जाए। और प्रॉपर्टी में आपको बताए हुए हैं कि जब दो रो या दो कॉलम कोई भी मिल जाए तो उसका जो वैल्यू होता है वो जीरो हो जाता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे C2 जो है 7, 8, 9 C3 के इक्वल है, 7, 8, 9, यानी C2 इक्वल हो गया C3 का, और दो कॉलम जो है यहाँ पे जब इक्वल हो गए तो इसका जो पूरा वैल्यू है ये जीरो हो जाएगा। अब जब ये जीरो हो गया तो जीरो में 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 × 9, तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। यानी जो हमारा LHS वाला पार्ट है वो हमारा इक्वल हो गया RHS के पार्ट में। एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, LHS हम ले लिए, LHS में हम क्या किए हैं कि C3 में C3 को C1 माइनस किए हैं, C1, C2, C3, यानी इस पार्ट में इसको हम माइनस किए हैं, तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। अब इसको माइनस करने के बाद यहाँ पे ले लिए, 63 के जगह लिख सकते हैं 9 × 7, 72 के जगह 9 × 8, और 81 के जगह 9 × 9। और जब C3 में से हम पूरा 9, 9, 9 को जब कॉमन लिए, यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या, 2, 3, 5, 7, 8, 9 जैसा है, और यहाँ पे 9 तो कॉमन ले लिए, इस तरफ वाला हम पूरा कॉमन ले लिए, बच गया क्या 7, 8, 9। तब हम देख सकते हैं कि हमारा जो C2 है C3 के इक्वल है, और कोई भी दो कॉलम या फिर कोई भी दो रो जब इक्वल आ जाता है तो उसका जो पूरा वैल्यू होता है जीरो हो जाता है। यानी इसका जो वैल्यू हो गया जीरो, और यहाँ पे 9 था तो 9, तो 9 में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, यानी LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे हमारा जो है ये प्रूव्ड हो गया। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला जा रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट।
यानी इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड था उसके जैसा ही ये भी क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है इस डिटर्मिनेंट्स में विदाउट एक्सपेंडिंग, इसको एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये हमें प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हैं एलएचएस में जो मेरे पास वैल्यू गिवन है वो है 111 बी सी सी ए ए बी ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी, ये हमारे पास एलएचएस में गिवन है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो C1 है, C1 का जो वैल्यू है 111 है, यानी किसी तरीके से हमें दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि C2 को भी 11 कर दें या फिर C3 को भी 11 कर दें। जब दो हमारे पास C1 C2 या फिर C2 C3 इक्वल आ जाएगा तो हमारा जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करते क्या है कि यहाँ पे हम लिख लेते इक्वल टू 111 बी सी सी ए ए बी, इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए बी ए बी प्लस ए सी, यहाँ बी को सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी सी प्लस ए बी, और यहाँ ए को सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए सी प्लस बी सी, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब अगेन हम यहाँ पे एक और ऑपरेशन कर लेते हैं, यहाँ पे C3 में C3 प्लस C2 को ऐड कर लेते हैं, यानी जो C3 है हमारे पास C3 इसमें C2 को फिर से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये तो C1 है 111, C2 है मेरे पास बी सी सी ए बी, और C3 है मेरे पास ए बी प्लस बी सी बी सी प्लस ए बी ए सी प्लस बी सी, और C3 तो हम लिख दिए, C3 में C2 हमें ऐड करना था, C3 में C2 हमें ऐड करना था, तो C2 यहाँ पे है, यानी ये हो जाएगा बी सी ए सी और ये हो जाएगा ए बी, ये हमारा हो जाएगा। तो ए बी बी सी ए सी ए बी बी सी, यहाँ पे ए बी और यहाँ ए सी होगा, ये मिस्टेक हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी ए सी। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो C3 वाले पार्ट में पहले हम इसको एक बार फिर से सीधा कर लेते हैं, 111 बी सी ए सी और ए बी, चूँकि यहाँ पे सी ए है तो सी ए का जब ए सी हम लिख सकते हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसी को लिख लिए ए बी बी सी को पहले लिख लिए ए सी को बाद में, फिर यहाँ पर भी है ए बी बी सी ए सी, केवल इसको हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए बी बी सी एंड ए सी। तो आप देख सकते हैं कि जो C3 वाला पार्ट है, C3 वाला पार्ट है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तीनों में कॉमन है, यानी C3 से जब हम कॉमन ले लेंगे क्या ए बी बी सी और ए सी, ये जब हम कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा 111 बी सी ए सी ए बी, और यहाँ पर भी बच जाएगा 111। तो यहाँ पे C1 जो है वो C3 के इक्वल हो गया, यानी C1 इक्वल हो गया C3 का, और हम चार क्वेश्चन अभी तक रहा है, चारों क्वेश्चन में आपको बताते चल रहे हैं कि जब भी कोई दो रो या फिर दो कॉलम इक्वल आ जाते हैं, वो कोई भी रो हो सकता है कोई भी कॉलम हो सकता है, तो इसका जो पूरा वैल्यू होता है वो क्या होता है 0। तो यहाँ पे जो C1 है C3 के इक्वल हो गया, यानी जो पूरा पार्ट है हमारा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम ले सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूफ करना था कि LHS इक्वल है RHS का। एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन था ये गिवन था, हम पहले LHS ले लिए, LHS में जो था मेरे पास वो रख लिए, और जैसा है C1 इसको पूरा C1 C2 C3 C1 को और C2 को हम लिख दिए, C3 को पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, यानी AB को AB से मल्टीप्लाई किए, फिर A को C से मल्टीप्लाई किए AC, B को C से मल्टीप्लाई किए BC, और B को A से मल्टीप्लाई किए AB, अगेन इसमें भी AC और CB, ये मल्टीप्लाई कर लिए पहले इसको। उसके बाद C3 वाला में जो हमारे पास C3 है, इसमें C3 में हम C3 प्लस C2 कर लिए, C3 प्लस C2 कर लिए, तो C1 C2 को जैसा वैसा रख लिए, C3 को लिखें यहाँ पे लिख लिए C3 को, और फिर C2 को ऐड कर लिए यहाँ पे। फिर इसको हम क्या किए कि थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए आपको ज़्यादा आसानी हो, पहले हम इसको अरेंजमेंट कर लिए, ए बी को पहले लिख लिए बी सी को फिर ए सी को, इसमें भी वही किए हैं, ए बी पहले लिख लिए फिर बी सी
फिर एसी, क्योंकि प्लस में 2+4 या 4+2 कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्लस में और मल्टीप्लाई में हम इधर उधर कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ए बी, बी सी, ए सी, ये कर लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सी थ्री है हमारे पास, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तीनों में कॉमन है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तीनों में कॉमन है, उसको हम बाहर ले लिए। तो जब सी थ्री से हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाहर ले लिए तो बच क्या जाएगा, पहले तो सी वन में 111 था, सी टू को हम लिख लिए, और सी थ्री में सारा जब हम पार्ट बाहर ले लिए तो क्या बच जाएगा, 111। और जब हमारे पास दो कॉलम इक्वल आ गए, यानी सी वन इक्वल आ गया सी थ्री का, तो जब भी दो रो या दो कॉलम इक्वल आ जाता है तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, यानी यहाँ पे LHS इक्वल टू हो गया RHS। यही हमें प्रूफ करना था, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।